बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीदें सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव का डिज़ाइन। और इसको बनाने के लिए यहाँ मैं पट्टियाँ कट कर रही हूँ। लंबाई आपने अपने हिसाब से रखनी है, जिस तरह आपके पास फैब्रिक हो, लेकिन चौड़ाई इनकी रखनी है 1.5 इंच। तो इस तरह की बहुत सारी पट्टियाँ कट मैंने कर ली हैं। और अब इस तरह से फोल्ड करते हुए एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। और अब सुई में डबल धागा पिरो लेना है, ताकि हम जब इसको खींचे तो ये धागा टूट ना जाए। और फिर इसकी मजबूत यहाँ पर गिरह लगा लेने के बाद इसको उल्टी तरफ से हमने इसके अंदर से दूसरे सिरे पर निकाल लेना है। और आहिस्ता आहिस्ता इस डोरी को सीधा कर लेना है। धागा यहाँ पर कट कर देना है। और अब 4 इंच का एक पीस कट कर लेना है। और इसी पीस की मदद से हमने सारे डोरियों के इसी तरह से पीसेस कट कर लेने हैं। तो यहाँ मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। और अब इन पीसेस की हमने इस तरह से दोनों सिरों को पकड़ते हुए इस पर हमने एक गिरह लगा लेनी है। ना ही ज़्यादा इसको टाइट करना है और ना ही इसको लूज करना है, हमने नॉर्मल गिरह लगानी है। तो सब डोरियों को मैं गिरह लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने डोरियों में सब में अच्छी तरह से गिरह लगा दी हैं। और अब इस तरह से स्लीव को रखना है। और 1/2 इंच हमने इस तरफ से और 1/2 इंच हमने उस तरफ से छोड़ देना है सिलाई का मार्जिन। और हमने इस तरह से 1-1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, मैंने 1-1 इंच पर पूरे स्लीव पर इस तरह से मार्क लगा लिए हैं। अब 1/2 इंच हमने सिलाई के लिए छोड़ना है और जहां हमने मार्क लगाया है वहां डोरी को रखकर स्टिच करना है। और अब 1 इंच आगे की तरफ मोड़ कर रखते हुए हमने स्टिच करना है। और साथ ही हमने इसकी दूसरी डोरी रख लेनी है। तो बस इसी तरह से हमने दो डोरियों को आपस में मिलाना है और 1 इंच का गैप छोड़ना है। और पूरी स्लीव पर इन डोरियों को इसी तरह से सेट करके रखते हुए स्टिच कर लेना है। We'll be right back.
यहाँ सारी डोरियाँ स्लीव पर लग चुकी हैं और उसके बाद यहाँ हमने धागा कट कर देना है। और अब यहाँ मैंने ये 2 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी ली है, इसको इसके ऊपर रखना है सेट करके और हमने सीधा स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हमने इस पर अच्छी तरह से आयरन करना है ताकि ये डिज़ाइन जो हमने बनाया है वो अच्छी तरह से बैठ जाए और फिर इसके ऊपर हमने दूसरा स्टिच कर लेना है। देखें कितनी खूबसूरत सी ये स्लीव बनकर रेडी हुई है। हमने कोई डोरी का यूज़ नहीं किया है, ना ही कोई पाल्स का यूज़ किया है, बस हमने सादा सी डोरियों से स्लीव को बहुत ही खूबसूरत बना लिया है। ये इस तरह से डोरी हैं और फिर डोरियों के मैंने सेंटर में ये गिरे लगा ली हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। अच्छा, इन डोरियों के ऊपर मैं जहाँ ये मैंने गिरे लगाई हैं यहाँ मैंने अच्छी तरह से प्रेस किया है, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो आप भी जब डिज़ाइन बनाएं तो इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि बाद में ये डिज़ाइन ख़राब ना हो। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।